हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिर आ गए हैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर, जिसका नाम है लखनवी पराठा, वो भी बिना उल्टा तवा के। बहुत बड़ा सा तवा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कढ़ाई लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। जो आपके पास तवा हो उसमें बनाएंगे और ये पानी वाला स्टाइल में बनाएंगे हम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना। और गाइस, आप वीडियो पूरी देखना तभी आपको रेसिपी ठीक से समझ में आएगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो नॉर्मल फ्लावर ले लेंगे, व्हीट फ्लावर ले लेंगे, कोई हमें इसमें मैदा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैदा खाना है, आपको मैदा पसंद है तो आप ले सकते हैं, अदर देन आप नॉर्मल फ्लावर ले सकते हैं। मैंने नॉर्मल फ्लावर ले रखा है, यानी कि व्हीट फ्लावर ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, एक चम्मच, ज़्यादा नहीं, बस एक चम्मच इतना ही। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाती है इसको डालने से। तो अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैं यहाँ सॉल्ट डाल देती हूँ 1 टीस्पून। अब इसको हम बाइंड कर लेंगे नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल इस तरीके। तो गाइस, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, यानी कि मोइन कर दिया हल्का सा। अब हम इसको बाइंड कर लेंगे पानी से, ये अच्छे से नीड करना है गाइस। नीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको अच्छे से नीड करना है लाइक दिस। हल्के हल्के हाथों से क्रम्बल करते हुए, इसको क्रम्बल करते हुए हल्का हल्का इसको हमें इस तरीके से इसको नीड करना है। हमारा ये ना क्या कहते हैं, डो हमारा बन के तैयार हो गया है। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है, इतना ही सॉफ्ट रखना, ध्यान रखिए। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेते हैं, आपकी मर्जी, आप जिस साइज में भी बनाना चाहे उस साइज काट लीजिए। मैं इतना बड़ा लूँगी, इसको इस तरीके से रोल कर लेना है, देख सकते हैं गाइस। अब हम इसकी बनाएंगे अपने पराठे लखनऊ स्टाइल के। तो इसको हम बेल लेंगे इस तरीके से, पतला पतला, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना, क्योंकि लखनवी स्टाइल पराठे हैं हमारे। और अगर आपको कबाब की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो गाइस, हमारा तवा गर्म हो चुका है, हम अपना ये पराठा इस पर डाल देंगे इस तरीके से। देखिए गाइस, आपको कोई उल्टा तवा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बाज़ार से तवा खरीद के लाना नहीं है, कोई तंदूर की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तवा जो आपके पास है, जो आपके घर में है, जिससे आप अपनी रोटी पकाते हैं या पराठा पकाते हैं, उसी पर हम इसको पका के दिखाएंगे, देखिए कौन से स्टाइल में। अब इसको ये देखिए हो चुका है, हम इसको पलट देंगे इस तरीके से। सो गाइस, हमने इसको पलट दिया है, देख सकते हैं आप, और इसमें हल्के हल्के से स्पॉट्स आ गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरीके से गाइस, इसके दोनों तरफ ऑयल लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। और इसके बाद जब ऑयल हमारा थोड़ा सा पक जाए तो हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा, छिड़क देंगे इस तरीके से पानी इस तरीके से। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, यूनिक तरीका है, बहुत अच्छे इससे हमारे पराठे बन के रेडी हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, दोनों साइड पे डाल लेंगे गाइस, हमें एक ही तरफ नहीं डालना है खाली। ये देख सकते हैं, ये वाओ, जब पूरा पक जाए तो इसको उतार लेना है, धीमी आंच पे पकाना है गाइस, बहुत ज़्यादा मतलब हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है इसको, स्लो टू मीडियम पे इसको हमें कुक करना है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे से स्पॉट्स आ गए इस पे के ब्राउन कलर के। हेलो मम्मी, अब इसके जो साइड है उसको कुक कर लेंगे हम, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। दूसरा और डाल दिया, बिल्कुल वैसे ही इसको भी कुक कर लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छे से कुक हो गया, देख सकते हैं एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आया है, रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड कर देंगे, हम पकाएंगे दूसरा। तो चलते हैं गाइस दूसरे की तरफ, लखनऊ स्टाइल के पराठे रेडी हो चुके हैं। चलिए हम इसकी अब प्लेटिंग करते हैं, देख सकते हैं। सो गाइस, हमारे लखनऊ स्टाइल पराठे बनके तैयार हो चुके हैं, नो उल्टा
तवा, नो कढ़ाई, नो तंदूर। बिल्कुल सॉफ्ट, मुलायम, एकदम कबाब के साथ खाने वाले लखनऊ स्टाइल पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। प्लीज़ ट्राई करिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।